मेरे अजीज़ व खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के वक्त के लिए जो उसने एक बार फिर हमें दिया, हमें बख्श दिया, हमें सांसें दी, हमें सेहत दी और हमें ये रोशनी दिखाई। खुदा का शुक्र हो कि वो भला और मेहरबान है। वो अपने सूरज को हमेशा अपने लोगों पे चमकाता है। कलाम में लिखा है तो वो अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। ये उसकी पेदराना शफकत है, ये उसकी मेहरबानी है कि वो हमें रोशनी बख्शता है, क्योंकि वो खुद रोशनी है, वो नूर है। और जब वो नूर है तो वो चाहता है कि उसके लोग भी नूर हों, उसके लोग भी उजाले में रहें। तो आइए फिर आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। मेरे साथ देखिएगा दूसरा सैमुएल उसका 22वां बाब और उसकी 26वीं आयत से। कलामे खुदा में कुछ इस तरह से मरकूम है, रहम दिल के साथ तू रहीम होगा और कामिल आदमी के साथ कामिल, नेकोकार के साथ नेक होगा और कचरों के साथ टेढ़ा। मुसीबत ज्यादा लोगों को तू बचाएगा, पर तेरी आंखें मगरूरों पर लगी हैं ताकि तू उन्हें नीचा करे। क्योंकि आए खुदावंद तू मेरा चराग है और खुदावंद मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। खुदा के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरा खुदावंद मेरा चराग है और खुदावंद मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत आयत के लिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जब भी अपने अजीजों से बात होती है तो लाइट और पानी का ही जिक्र कर रहे होते हैं कि रात पर लाइट नहीं थी, रात पर नींद नहीं आई ठीक से क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। लाइट नहीं थी, हम ये काम नहीं कर पाए। पानी नहीं था, हमने वो काम नहीं किया। मेरे अजीजों, बड़े अफसोस की बात है मुल्क पाकिस्तान के लिए कि वो अपने लोगों को, अपनी आवाम को बुनियादी ज़रूरियात भी मुहैया नहीं कर पाता। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी पाकिस्तान की ये हालत है कि उसकी आवाम, उसके लोग पानी और बिजली के लिए तरसते हैं। आप देखें, जब बिजली नहीं होगी तो स्टूडेंट जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडीज करते हैं, वो किस तरह पढ़ पाएंगे? जब पानी नहीं होगा तो वो किस तरह सरवाइव कर पाएंगे? एक बुनियादी चीज में ही इंसानों को उलझा कर रख दिया हुआ है। सो पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि वो लोगों की मदद के लिए तैयार हो, ऐसे हुक्मरान हो, ऐसे लीडर्स पैदा हों जो अपने लोगों की इस मुश्किल को, परेशानी को दूर कर पाएं, ताकि खुदावंद के लोग चैन और सुकून के साथ अपने रोज़मर्रा के कामों को सरंजाम दे सकें। क्योंकि जब लोग सोएंगे नहीं तो उनकी सेहत भी ख़राब होगी, मुख्तलिफ बीमारियां उन्हें घेरेंगी। जब वो टेंशन में होंगे तब भी बहुत सारी मुश्किलात में घिरे रहेंगे। सो खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद मुल्क पाकिस्तान को ऐसे लीडर्स, ऐसे हुक्मरान दे जो अच्छे फैसला जात करें और अपनी आवाम को, अपने लोगों को बुनियादी ज़रूरियात मुहैया कर सकें। सो आज की हम आयत पर आते हैं। खुदावंद जो है वो हमारा चराग है, हमारी रोशनी है, क्योंकि जब उसने कुल कायनात को खल्क किया, तख्लीक किया, तो अगर हम पैदाइश की किताब पढ़ें तो वहां लिखा है कि उस वक्त जमीन जो है वो वीरान और सुनसान थी और खुदावंद की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। सो खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई, और खुदावंद खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद नूर है और वो रोशनी को तारीकी से जुदा करता है, क्योंकि रोशनी और तारीकी में कोई मेलजोल नहीं, कोई तालमेल नहीं, क्योंकि जहां रोशनी होगी, जहां नूर होगा, वहां तारीकी टिक
नहीं सकती। सो मेरे अजीजो, खुदावंद खुदा जो नूर है वो चाहता है कि उसके लोग भी नूर हों। मत्ती की अंजील में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। सो अगर हम दुनिया के नूर हैं तो क्या हमारे वसीला से दुनिया रोशन हो रही है? अगर हम कोई रोशनी का मीनार देखें, किसी टावर को देखें, तो उस पर जो लाइट जल रही होती है वो कुछ ही मीलों तक या कुछ किलोमीटर्स तक हमें दिखाई देती है, उसके बाद फिर अंधेरा। लेकिन खुदावंद खुदा हमारा नूर है, रोशनी है, वो ऐसा चिराग है जहां वो जलता है तो फिर मीलों या किलोमीटर्स तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशनी नजर आती है और उसके सामने तारीकी ठहर नहीं सकती। तो आज हम देखें, क्या हम अंधेरे में हैं या उजाले में हैं? अगर हम अंधेरे में हैं तो फिर भी हमें खौफ ज्यादा होने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आयत में हम देखते हैं, और खुदावंद मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। खुदावंद हमारे अंधेरे को उजाले में बदल देगा। मकाशफा की किताब में क्या पढ़ते हैं कि जब हम खुदावंद के पास होंगे तो बरे का चेहरा हर एक चीज को रोशन करेगा। वहां रोना नहीं होगा, वहां मातम नहीं होगा, वहां आंसू नहीं होंगे, वहां कोई दुख और बीमारी नहीं होगी, बल्कि वहां हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। और खुदावंद के बंदे, खुदावंद के लोग खुदावंद के तख्त के सामने हर वक्त उसको कदूस 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 कहेंगे, उसकी सताइश करेंगे, उसकी हम्द करेंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा ही तारीफ और तमजीद और हम्द के लायक है। मेरे अजीजों, कदूसियत सिर्फ और सिर्फ उसी को जेबा है, उसी को भाती है, क्योंकि वो कदूस है। तो आज अगर हम किसी भी तरह की तारीकी में हैं, तो फिर आइए हम खुदावंद के कदमों में आ जाएं और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मेरी जिंदगी को तू रोशन कर दे, क्योंकि जब तू कहेगा रोशनी हो जा तो रोशनी हो जाएगी और मैं मरूंगा नहीं बल्कि खुदावंद में जिंदा रहूंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा मेरा चिराग है और वो मेरे अंधेरे को उजाले में बदल देगा। आज अगर तारीकी के बादल छाए हुए हैं, तारीकी इतनी बढ़ चुकी है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, फिर भी मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद खुदा हमारी जिंदगी को रोशन कर सकता है, वो हमारे अंधेरे को दूर कर सकता है और वो हमारे अंधेरे को उजाले में बदल सकता है, क्योंकि वो इतनी ताकत और कुव्वत रखता है। तो आइए फिर आज अपने सारी कमी कमजोरियों को, अपने अंधेरों को लेकर अपने खुदावंद के हजूर में आ जाएं और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू नूर है, तू हमारा चिराग है, तू हमारी जिंदगी को रोशन कर दे। आमीन।